हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ के बीच में होने वाले 24th मैच का। अब अगर हम लोग 24th मैच की बात देखते हैं तो देखने को मिलेगा आपको कि दोनों टीमों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, पर्थ की और रेनेगेड्स की, तो पर्थ को आप देखोगे ना तो पर्थ जो है वो अभी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। टोटल 5 मैच इन्होंने खेल चुके हैं और इन 5 मैच में से 4 जो है वो जीत चुके हैं और 1 जो है वो हारे हैं। इसके अलावा हम लोग रेनेगेड्स की बात करते हैं तो रेनेगेड्स जो है वो पिछले 6 मैचों में से 3 जीता है, 3 हारा है। लेकिन जो 3 जीता है, ये 3 मैचेज आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो 3 मैचेज हैं, ये 3 मैचेज शुरुआत में जो है वो जीते थे और लास्ट के जो 3 मैचेज है लगातार हारते हुए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जो रेनेगेड्स के लिए है ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है, क्योंकि लास्ट जो 3 मैचेज हुए हैं ये 3 मैचेज बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेज जो है इन्होंने किया है और बहुत ही कम रन जो है वो स्कोर किया है, इवन 130 के नीचे जो है ये रहे हैं। तो ये सीनरी जो है आपको रेनेगेड्स की तरफ से देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं किस तरीके से ये मैच देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस मैच के बारे में, तो ये जो होगा 24th मैच होगा, ये खेला जाएगा 1 जनवरी को। और सभी को हाँ, आप जो है वो हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये जो आप वीडियो देखोगे ये हो सकता है कल देखो, आज देखो, तो आप जो है लास्ट डे है आज 2022 का, और 2022 का जो है ये लास्ट डे में आप जितना जो है वो अपनी पिछले जो सीरीज रहा है, पिछले जो अपने चीज़ें खेला है, पिछले चीज़ों में जो भी चीज़ें जो है आपने किया है उन सबको जो है आप पीछे रखो, अगले साल का जो है प्लान बनाओ और एक अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय करने की सोचो। इसके अलावा ये जो मैच होगा कल बहुत ही सुबह मैच होगा, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो है बहुत जल्दी जगना पड़े, ये जो है आपको 8:10 पे देखने को मिलेगा और ये होगा डोकलेम स्टेडियम मेलबर्न में जो है देखने को मिलेगा। अब हम डोकलेम स्टेडियम मेलबर्न की बात कर लेते हैं तो अभी तक जिस तरह का मैसेज हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे कि ये जो है एक बैटिंग ग्राउंड पिच की तरह बिहेव करता हुआ नजर आता है। हालांकि जब पिचेज ओल्ड हो जाती है तो यहाँ पे स्पिनर को बेनिफिट जरूर मिलता है। हाईएस्ट रन आप देखोगे 222 रन है जो कि रेनेगेड्स ने बनाया था और लोवेस्ट जो है वो भी 57 है जो कि रेनेगेड्स ने बनाया था। रेनेगेड्स का जो है ये होम ग्राउंड की तरह बिहेव करता है और यहाँ पे लास्ट 10 मैच देखोगे तो 4 चेस हुए हैं, 4 जो है यहाँ पे डिफेंड हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे पिचेज जो है वो पुराना होते जाता है यहाँ पर जो है आप देखोगे तो थोड़ा सा बैटिंग करना डिफिकल्ट होते जाता है, ये सीनरी जो है आपको यहाँ पे बना रहेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे देखोगे तो आपको डोकलेम स्टेडियम के तो टोटल 55 मैचों में से जो है वो यहाँ पे 27 जो है फर्स्ट पर जीता है और 28 जो है सेकेंड पर जीता है और फर्स्ट पर एवरेज आप देखोगे यहाँ पे तो 160 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न का, तो आप देखोगे 150 से नीचे 15 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में आप देखोगे तो आपको 18 स्कोर दिखाई देगा और 170 से 90 के बीच में देखोगे तो आपको 15 स्कोर दिखाई देगा। और जो स्कोरिंग एरिया है इस ग्राउंड का वो आपको यही दिखाई देगा, 150 से लेकर 190 के बीच में जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा रन बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा बात करते हैं आप देखोगे तो यहाँ पे 190 से ऊपर जो है वो आपको 7 स्कोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वेदर फोरकास्ट कैसा रहने वाला है, टेम्परेचर आप देखोगे तो 18 से 20 डिग्री के आसपास जो है वो रहने वाला है, बारिश की चांसेस जो है 20% के आसपास है, लेकिन मैच जो है आपको पूरा देखने को मिलेगा क्योंकि किसी तरह का जो है इंटरप्शन जल्दी से होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टॉस के, तो रेनेगेड्स से ज़्यादा चांसेस है कि टॉस जीतकर जो है पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कि टीम न्यूज किस तरीके से रहने वाला है, तो आप देखोगे तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पर्थ का, तो पर्थ में आप देखोगे तो एस्टन टर्नर जो है ये लीड करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग तो आप देखोगे रिसेंट जो 5 मैचेज हुए उनमें से 4 जो है ये जीते हैं, 1 हारे हैं। और इसके अलावा हम रेनेगेड्स की बात करते हैं, रेनेगेड्स में आप देखोगे तो जो निक मेडसिन जो है ये लीड करने वाले हैं और लास्ट के 6 मैचों में जो है ये 3 हार चुके हैं, 3 जो है वो जीते हैं और जो 3 हारे हैं वो लगातार रिसेंट मैचेज है जो कि बहुत ही लो स्कोरिंग से जो है ये हारे हैं। अब हम बात करते हैं किसको जो है आपको लेके चलना है। अगर आप यहाँ पे प्लेइंग 11 देखते हैं पर्थ की तरफ से तो कौन अच्छे फॉर्म में है, तो अभी देखोगे पर्थ की तरफ से तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे एडम लिथ का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है। थोड़ा सा फाफ डुप्लेसी की वजह से अभी परफॉर्मेंस आया नहीं है और ऐसे भी जब फाफ डुप्लेसी पूरे मैचेज जो है वो खेलने वाले हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो कि सब में तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 मैचों में एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा निक हॉपसन का भी जो है ठीक है और इसके अलावा जॉस इंग्लिस का परफॉर्मेंस भी जो ठीक है, एरन हार्डी का परफॉर्मेंस आप ले सकते हो, एस्टन टर्नर का जो है आप ले सकते हो, तो ये जो है प्लेयर्स आप इनको पिक करके चल सकते हो। बॉलिंग की बात करते हैं एंड्रू टाई को जो है विकेट जरूर मिल रहा है, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे जय रिचर्डसन को भी विकेट मिल रहा है और पीटर होगलू जो है इनको भी जो है विकेट मिल रहा है। तो ये सीनरी जो है रहने वाला है जहाँ पे आप इनको जो है पिक करके चल सकते हो, किसकी तरफ से, तो पर्थ की तरफ से।
इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रेनेगेड्स की तरफ से। तो रेनेगेड्स की तरफ से आप देखोगे तो सैम हपा का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, निक मेडसिन का ठीक है, इसके अलावा एरन फिंच का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है। आंद्रे रसल जो है अभी जो है वो सीनरियो में जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, नहीं है। इसके अलावा बॉलिंग की बात करो तो अकेले हुसैन को जो है आप ले सकते हो, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, और मुजीब का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा है बॉलिंग में, तो आप इनको पिक करके चल सकते हो, जो कि ये सीनरियो जो है आपको रहने वाला है, यहाँ से जो है आप इनको पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो आप देखोगे तो पर्थ की तरफ से बात करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे तो जो रिसेंट 5 मैचेज हुए उनमें से जो है ये 4 जीते हैं, 1 हारे हैं, और रेनेगेड्स के जो रिसेंट 5 मैचेज हैं उनमें से 2 जीते हैं, 1 जो है हारे हैं। हेड टू हेड की दोनों टीमों में हम लोग बात कर लेते तो आप देखोगे कि दोनों टीमें जो है वो 16 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें से पर्थ जो है वो 13 जो है यहाँ पे क्या किया है तो जीता है, और रेनेगेड्स जो है वो 3 जीता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं टीम 11 टीम का, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जो जर्नी है ये जो है आप शुरुआत कर सकते हो। तो चलो एक बार देख लेते हैं टीम 11 टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड। बात करते हैं अब हम लोग टीम 11 टीम का, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कौन कौन सा जो है वो प्लेयर को पिक करके चलना है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है अगर विकेट कीपर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ले सकते हो अब जॉस इंग्लिश को। बैटिंग की बात करते हैं तो एरॉन फिंच को, इसके अलावा हाफ प्लेसी को आप पिक करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस जो है अभी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन जो है वो रिसेंट मैचों में कोई ना कोई परफॉर्मेंस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में जो है आप यहाँ पे निक मेडसिन को ले सकते हो, एरॉन हार्डी और विल शटर या फिर एस्टन एगर को जो है आप पिक कर सकते हो, तो अभी के लिए विल शटर लैंड को जो हम लोग पिक कर लेते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में जो है यहाँ पे अकाली हुसैन को जो है पिक कर लेते हैं, जय रिचर्डसन का फॉर्म ठीक है, इसके अलावा जो है आप देखोगे टेंडो टाई का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, और मुजीब का परफॉर्मेंस सही चल रहा है, तो यहाँ पर हमने पिक कर लिया है। और बैटिंग में एक रह जाता है हम लोग एडम लिथो ले लेते हैं, या फिर निक हैप्सन को जो है पिक कर सकते हो, तो ये जो है परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन होता है, कैप्टन के तौर पे जो है आप यहाँ पे आप तो जॉस इंग्लिश को ले सकते हो, या फिर एरॉन हार्डी को पिक कर सकते हो, ये सीनरी जो है आपको यहाँ पे अभी दिखाई देगा। इसके अलावा हम वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो आप एरॉन फिंच को ले सकते हो, डुप्लेसी, एरॉन हार्डी, विल शटरलैंड या फिर निक मेडसन को जो आप पिक कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो है मैं जय रिचर्डसन के साथ जो है वो लेके चल रहा हूँ वाइस कैप्टन के तौर पर। आप यहाँ से देख सकते हो टीम प्रीव्यू, और इस टीम के साथ आप कोई भी लीग खेल सकते हो, इसके लिए आपको और भी टीमें चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।